होगा कि मतलब थोड़ा सा यूनिक सा नाम है ये। और हमारे पंजाबी में ना जब कोई बहुत एक तेज़ लड़की होती है तो उसको चलाकू मासी कहते हैं, कभी ये बहुत तेज़ है, ये बिल्कुल चलाकू मासी है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका नाम का मीनिंग बता देंगे क्या मतलब है इसका। और बाकी ये हमारी अपनी कंपनी है डॉस म्यूज़िक जिसके ऊपर लॉन्च होने जा रहा है, और आज आपके सामने इसका पोस्टर लॉन्च किया है हमने। और बाकी बहुत ही जल्द आपको इसका गाने का जो पूरी वीडियो है वो आपको तकरीबन हर पंजाबी चैनल पे, जो भाजी हर चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। और इस गाने का म्यूज़िक दिया है हमारे कुंवर पा जी ने, कुंवर विर्क जी ने। और बाकी डॉस म्यूज़िक पे आ ही रही है। बैकग्राउंड को लेकर क्या तैयारियाँ की गई? बैकग्राउंड सर ये बैकग्राउंड लाइक वही हो गया ना, सेट। चंडीगढ़ में सेट लगे थे हमारे, 3 सेट लगे थे और बहुत ही अच्छा शूट हुआ। और बाकी उम्मीद करता हूँ कि गाना जो है बहुत अच्छा लगेगा आप सबको। जी गाने का थीम किस तरह का, चला जी क्या ये सर, ये बेसिकली सारी लड़कियाँ जो लड़कों को घुमाती हैं उनके ऊपर है, ये किसी एक लड़की के ऊपर नहीं है, ये सबके ऊपर ही है। वैसे देखा जाए तो ये बहुत गलत कमेंट है। नहीं 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 ये गलत साथ में तो नहीं 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 ये गलत, ये दो को छोड़ के बाकी ये दो को छोड़ के, हाँ फिर ठीक है, जो यहाँ हमारी एम्बियंस में बैठी है उन सबको छोड़ के, सामने वाली भी, उन सबको छोड़ के, सामने वाली साइड वाली सारी, हाँ जी। नहीं बेसिकली ये क्या है, एक ये कोई नेगेटिव वो नहीं है, नेगेटिव वर्ड नहीं है ये, मतलब एक पंजाबी में जैसे मस्ती के लिए चलाको मासी। आई थिंक लड़कों को चलाने के लिए लड़कियों का चलाको मासी बनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नमिता जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया इसका। जी नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, दीप इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन और उनसे झगड़े की तो कभी बात हो ही नहीं सकती, वो इतने अच्छे हैं आप देख रहे होंगे, हमेशा स्माइलिंग रहते हैं। और मतलब चलाको मासी इज जस्ट अ फ्रेज दैट इज़ यूज फॉर वुमेन, लाइक लड़कियों के लिए जिस तरह से उन्होंने बताया, बिकॉज जो लड़कियाँ होती हैं लड़कों को चलाने वाली उनको चलाको मासी कहा जाता है पंजाबी में बेसिकली। सो सिंस वी ऑल आर पंजाबी तो इन्होंने ये टाइटल सिलेक्ट किया टू जस्ट क्रिएट दैट लाइक दैट टिंट ऑफ charm or like fun for the girls, so there is no matter ki inse koi bhi ladai jhagda ho, so it's like all fun. Aur ye actually mujhe lagta hai ki ye actually ladki ko matlab praise karne wali baat hai, chalako maasi matlab uski tareef hai wo, ha usko negative nahi bata sakte, chalako maasi matlab bahut hi jo होशियार खूबसूरत बड़ी अच्छी जो लड़की होती है, आपको पोस्टर में भी दिख ही रहा होगा ना कितनी खूबसूरत चलाक और होशियार लड़की दिख रही है वो। जी मतलब भोंदू नहीं होती लड़की वो, उस तरह से लड़कियां वैसे भी भोंदू होती हैं, हम ले सकते हैं बिल्कुल। ये वीडियो में ये सब दर्शाया गया है जी? बिल्कुल दर्शाया गया जी वीडियो में हमने बल्कि इससे और एक स्टेप आगे बढ़ के दर्शाने की कोशिश करी है। बाकी थोड़ा बताओ एक कोई इंसिडेंट वीडियो में, कोई ऐसा नहीं वीडियो इज लाइक के भाई एक यार वीडियो में बता दिया तो फुल ऑन मस्ती है, फुल ऑन मस्ती है, बहुत अच्छी वीडियो है, फुल ऑन मस्ती है, बहुत अच्छे ग्लैमरस वीडियो आप कह सकते हैं इसको कि ग्लैमरस वीडियो है। और बाकी सब ने बहुत अच्छा काम किया, हमारे डायरेक्टर साहब आशीष राय उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बाकी वीडियो देखने के बाद आप सब बता ही देंगे कैसी लगी वीडियो। सेट पे सर बहुत अच्छा माहौल था, हमारे जो भाई है कुंवर विर्क जिन्होंने इसका म्यूज़िक दिया है, बीच में रैप भी दिया है, तो वो बहुत ही जॉली नेचर के इंसान है और मतलब वो जब भी सेट पे होते हैं तो एक बहुत अच्छा सा माहौल बना होता है। और बाकी सेट पे बहुत अच्छा माहौल था, बहुत हमने खाया पिया इंजॉय किया और कब शूट हो गया हमें पता नहीं लगा। और वैसे भी पंजाब की धरती है आपको पता ही ऐसी है कि भाई वहाँ पर तो खाने पीने के सब शौकीन होते हैं, तो हमने खुल के खाया, खुल के जम के खाया पिया और मतलब बढ़िया से शूट किया हमने, काम भी पूरा किया, काम भी पूरा किया, काम के साथ खाया, स्पेशली सुबह उठते के साथ दीप ने परांठे खाए, हाँ। उसके बाद लस्सी पिया, फिर उसके बाद है ना परांठे लस्सी खा के फिर वो सेट का माहौल बनता था कि दीप शूट शुरू करते थे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल ये बात सही कही, बिल्कुल बिल्कुल। यार बीइंग विमेन लाइक इन दिस इंडस्ट्री मुझे लगता है हम लोग को डाइट पे थोड़ा रहना पड़ता है, लेकिन अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो आई एम वेरी फूडी, तो मैं तो जानी जाती हूँ फूड शोज ट्रैवल शोज होस्ट करने के लिए, तो मुझे पर्सनली पंजाबी खाना मुझे लगता है इज़ द वेरी रिच फूड, तो आप देख के बिल्कुल रिजिस्ट नहीं कर सकते खुद को कि आप बिना खाए रह जाओ। आई होप आप लोग भी पंजाब तो गए होंगे कभी ना कभी, तो आप लोग ने पंजाब का फूड कितना टेस्ट किया? अच्छा लगता है पंजाबी परांठे लस्सी दही शही मक्खन ते अचार फिर हो जाए नाल चाह ते ऑल है ना, तो बस फिर सरों दा साग ते मक्की दी रोटी वो बन गई गल है ना। उसके बिना आई थिंक पंजाब याद आ पंजाब जाने का मजा नहीं होता अगर आप खाओ पियो और ऐश ना करो, राइट? कई सारे गाने रिलीज होने वाले से आप हमने सुना, लोग कह रहे थे कि आपके 250 गाने भी
जी नहीं नहीं सर, मैं 250 नहीं है सर, ये 25 से 30 गाने हैं हमारे, अगर थोड़ा सा, हाँ इतने नहीं गाए मैंने, जीरो आगे, एक जीरो आगे हो गया। दीप का एक तो 1000 गानों का नहीं, हाँ ये आप चलो नमिता जी ने बोल दिया तो मान सकते हैं, बाकी 25 से 30 गाने अभी। आई थिंक ये हमारा जो है वो 31st सॉन्ग है ये, और गाने सारे जितने मैंने अब तक गाए हैं वो तकरीबन रोमांटिक या फिर सैड रोमांटिक कह सकते हैं, सैड रोमांटिक वर्ड होता ना, हाँ बस इसी टाइप से हैं गाने सारे हमारे। पर मैं कहना चाहूँगा कि अब तक जितने भी गाने गाए हैं और जितने वीडियो बने हैं सब ए क्लास थे, मैंने जितने भी देखे हैं वीडियो, तो उस काम के बारे में मुझे लगता नहीं कभी कंप्रोमाइज की है डॉस म्यूज़िक ने, और आगे भी जो म्यूज़िक आने वाला है, और बहुत ही क्योंकि इतना कंपटीशन है उसमें, अगर आप 30 वीडियो बना रहे हैं तो इसका मतलब आप में क्वालिटी है तो इतने वीडियो बनाएं, और वो चले भी हैं, और मुझे उम्मीद है कि आगे और आपके 250 वीडियो बहुत जल्दी पूरे होंगे। क्या बात है, क्या बात है, ये बात तो वैसे इस बात पे तालियां बजती है। हाँ डॉस म्यूजिक एक्चुअली क्या है, मेरा भाई है ना छोटा, मुझे अभी चांस दे नहीं रहा बोलता पहले मैं 50 गाने गाऊंगा फिर उसके बाद मेरा मतलब नहीं अरविंदर जी की बात मैं आपको बात करूं तो अरविंदर जी इतने बड़े आर्टिस्ट हैं कि अभी मैं उतना बड़ा बना ही नहीं कि मैं इनको चांस दे सकूं। इन्होंने बहुत लोगों को चांस दिया है, मतलब मेरी तो कोई औकात नहीं इनके सामने कि भाई कि मैं इनको चांस दे सकूं, बाकी हाँ मेरी कोशिश जरूर रहती है कि इनके साथ काम करना है, बाकी कब ये मौका देते हैं ये तो आपके सामने ही, आप नहीं बोल सकते। ये कंपनी एक्चुअली आप समझ सकते हैं मेरी अपनी है, तो मुझे जब चाहिए होगा मैं चांस खुद ही ले लूँगा, पूछूंगा नहीं मैं। ये बात सही बोली आपने, ये बात सही बोली जी। दीपा जी जर्नी कैसी रही गाने की, जैसे नाम भी थोड़ा सा डिफरेंट है, कैसे आया ख्याल में, कैसी जर्नी रही और कैसे आपने इस समय जर्नी तरह का? सर ये ऐसा है ना कि मैंने जैसे आपको मैंने पहले बताया कि पहले सारे सैड सॉन्ग और रोमांटिक टाइप के सॉन्ग्स हमने किए थे, तो हमारे पास कुछ 3-4 ऑप्शंस आए थे, तो जिसमें से ये गाना मेरे अच्छा लगा, और ये जो वर्ड है ये इस गाने में से ही निकला है, तो ये जब हमने वीडियो बनाई तो हमने इस गाने के नाम के ऊपर बहुत सर्च किया, क्यों भाई कि भाई इसका नाम क्या होना चाहिए, नाम के लिए बहुत कन्फ्यूज़ थे, लेकिन जब बाद में देखा गया तो भाई उस गाने के अंदर इतना बढ़िया नाम था जो कहीं पर है नहीं। आप अगर यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो चलाको मासी के नाम से कोई गाना नहीं है, दिस इज़ द फर्स्ट एवर सॉन्ग, और ये आई थिंक नाम भी आई थिंक पहली बार ही आ रहा है। बचपन में हम लोग सुनते थे जो बड़े बूढ़े बड़े बुजुर्ग जो बोलते थे लड़कियों को, मतलब अगर शैतानी करते थे या कुछ करते, माय ग्रैंडमॉम यूज्ड टू कॉल मी चलाको मासी, थोड़ी सी आपके सामने की, हाँ बिल्कुल। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, म्यूजिक वीडियो में बहुत तगड़ा कंपटीशन है आज, खास करके जो पंजाबी सॉन्ग्स आते हैं जी, कितना कुछ प्रेशर आप महसूस करते हैं कि अगर ये हिट नहीं हुआ? बिल्कुल प्रेशर नहीं सर, बिल्कुल प्रेशर नहीं, प्रेशर लेके काम करेंगे सर काम ही नहीं कर पाएंगे। आज अगर मैं जब भी जितना भी थोड़ा सा मैं पहुंचा हूं यहां तक, तो अगर प्रेशर रखेंगे तो काम कर ही नहीं पाएंगे। हर बंदे का अपना अपना लेवल है काम करने का, कोई 10 लाख वाली वीडियो बनाता है, कोई 1 करोड़ वाली बनाता है, तो हमारी जितनी हमारी जो हैसियत है उस हिसाब से वीडियो बना रहे हैं और दर्शक पसंद कर रहे हैं, तो प्रेशर लेके तो कभी काम किया ही नहीं और ना ही कभी करेंगे, तो प्रेशर तो आई थिंक लेना चाहिए। हाँ जी आप बताइए किस प्रकार से जुड़ी हैं? मैं इनके साथ बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ, कास्टिंग से रिलेटेड हूँ, काफ़ी टाइम से मैं उनके साथ प्रोडक्शन में भी काम कर रही हूँ। इस गाने में हमारा एक अलग ही रोल है, क्योंकि मैं इस गाने में इनको मैनेज कर रही हूँ, इनके कॉस्ट्यूम्स, इनकी शूट डेट्स, इनका शूट सेटअप, हर चीज़ में एक बैक सपोर्ट की तरह रही हूँ। सो मेरा रोल एक बहुत ओपन एंड पर चलता है, जहाँ मैं डायरेक्टर को भी हेल्प कर देती हूँ, मैं प्रोडक्शन को भी हेल्प कर देती हूँ, मैं आर्टिस्ट को भी हेल्प कर देती हूँ, तो बस उसी तरह से एक दोस्त के नाते जुड़ी हूँ और आगे भी जुड़े रहेंगे। ऐसे ही काफ़ी सारे गाने करने हैं आगे, प्रोडक्शन लेवल पे, डायरेक्शन लेवल पे देखते हैं सर हमें कहाँ कैसे मौका मिलेगा। सही है, सही है, ये सही है, ये सही मतलब बात है। शी इज एन ऑलराउंडर। या शी इज एन ऑलराउंडर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर हिंदी में भी गाना गाने के लिए सब कह रहे थे कि आप जल्दी आगाज कर सकते हैं इस बारे में, बॉलीवुड में, हाँ इसके बारे में सर ये बताएंगे, ये इसके बारे में ये बताएंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे पहले से ही बहुत सालों से जब से अपना म्यूज़िक इंडस्ट्री बॉलीवुड में म्यूज़िक शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो पंजाबी म्यूज़िक है उसका पूरा मतलब हाथ रहा है। तो पहले तो समझो 50% होता था, अभी 100% हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी म्यूज़िक हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में बिना पंजाबी या पंजाबी सिंगर के कम्प्लीट होता है। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि दीप के जो चांसेस है बहुत ब्राइट हैं, बॉलीवुड में बहुत जल्दी उनको ब्रेक मिलने वाला है और बहुत अच्छा ये गाना गाएंगे, और ये मेरी उम्मीद है।
और ऐसा होने वाला है बहुत जल्दी। वैसे इस बात के ऊपर तुम्हें एक बात कहनी चाहूँगा कि अरविंदर पाजी ने जिस जिसके बारे में ये बात बोली और वो सच हुई है, और आज शायद इनके मुंह से निकल गई बात तो शायद बहुत जल्दी पाजी पूरी भी हो जाए। हाँ जी, तो जिनके लिए कही थी पूरी हुई उनका नाम लेने की जरूरत नहीं। उनका नाम आप लोग सब जानते हैं, हम बोल नहीं सकते नाम। बाकी अरविंदर जी मतलब वो कहते हैं कि दूसरों के लिए तो एक जैसे कहते हैं ना, एक आशीर्वाद बन के आए हैं हमारे लिए पाजी। जब भी मतलब हमने इनको बुलाया और पाजी आए और हमेशा से उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। बताते हैं इसके अलावा सर, अभी हमने एक एल्बम लॉन्च करी थी जिसका नाम था इंटेंस। ये इस इंटेंस जो एल्बम का 7वां गाना है जिसमें 9 गाने थे। इसके बाद अभी 2 और आने हैं और उसके बाद हमारी 2 एल्बम्स और भी हमने लाइनअप कर रखी हैं, तो वो नाम से भी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, अभी फाइनल नहीं है उसके। तो वो जैसे आपको देखेंगे कि आने वाले 6 महीने में काफ़ी गाने जो हैं वो डॉस म्यूज़िक पे आपके दीप ओसान के भी हैं और बाकी और सिंगर्स के भी हैं, काफ़ी और अच्छे अच्छे सिंगर्स के भी साथ आ रहे हैं गाने। और एक हमारे बीच में सिंगर बैठे हैं अरविंदर जी, शायद इनका भी गाना हो उसमें। 9 के बाद 10वां गाना। हाँ जी जी, ऑडियंस को पाजी बस यही कहना चाहूँगा कि बहुत गाने देखें और क्या। नहीं, गानों के लिए तो है, चलो बाकी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी बहुत कुछ लग रहा है मेहनत के अलावा भी, तो प्लीज़ गाने को देखा कीजिए और हमारा जो डॉस म्यूज़िक का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात आप सबको मीडिया के बीच में कहना चाहूँगा, जो इस मेरे इस डॉस म्यूज़िक के बीच में जो पार्टनर हैं, मेरा नाम दीप ओसान। अच्छा, आप सबको मैं बता देता हूँ डॉस म्यूज़िक का मतलब क्या है। मेरा नाम है दीप ओसान और मेरे फ्रेंड हैं जिनका नाम है सरफराज शेख। सो DOSS इसका बनके बनता है डॉस म्यूज़िक। सो मैं और मेरे भाई जो हैं, जो कि दुबई में रहते हैं, बहुत अच्छे हमें सपोर्ट करते हैं और ही इज़ लाइक मतलब क्या कहते हैं उस वर्ड को, पाजी, पिलर। ही इज़ लाइक अ पिलर फॉर मी एंड माई कंपनी और उनका बहुत सपोर्ट है। और ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, ये वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, ये महंगी इंग्लिश है ना, ये महंगे महंगे लोग ही बोल सकते हैं, हमें नहीं आती। तो बाकी उनका बहुत सपोर्ट है, ही इज़ अ प्रोड्यूसर ऑल्सो इन माई ऑल एल्बम्स, इन माई ऑल सॉन्ग्स। तो बाकी देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ, अरे पाजी से गाना ना सुने तो ऐसे नहीं हो सकता। अरे माइक दो यार पाजी के, लॉन्च इनका है। अरे नहीं 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 नहीं, ये तो चले गानों के बिना तो 10वां सॉन्ग आपका ही तो है। 10वां सॉन्ग बिल्कुल, मैं तो सोचे नहीं क्या गाऊं। अरे कुछ भी आ गए, अगला आपका है ना। जो आपका फेवरेट गाना है? मेरा तो एक ही फेवरेट है, मैं जब भी देखता हूँ खूबसूरत चेहरे। अरे 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 ओ किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, ओ दिल कर देखदा रवां ओ किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, ओ दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल मुड़दा नी लख समझाया, ओ दिल कर देखदा रवां ओ किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, उदी कर देखदा रवां ओ किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। क्या बात है, क्या बात है। सरगरे सदे सरगरे धसा, क्या बात है। वो कहते हैं ना कि सिंगर आगे जब माइक आ जाए तो थोड़ी सी 2 लाइनों में नहीं घुसता। चलिए एक और ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं इसलिए मैं कह रहा हूं। नहीं, आपको तो आसानी से मिला। अरे जब तक है जी, ओहो जी भर के पी, क्या बात। जब तक है जी भर के पी, जब ना रहेगा जी तो कौन कहेगा पी। क्या बात है, क्या बात है। जब तक है जी, क्योंकि ये माहौल वही वाला है, जब तक पंजाबी ना बैठे पीने की बात ना हो। शराब पीने से कुछ भी बुरा नहीं होता, शराब जो नहीं पीता खुदा नहीं होता। क्या बात। एक ही जगह मर के जाते हैं रिंद और जाहिद,
वहाँ मुजरिम तो कोई देवता नहीं होता, इसलिए जब तक है जी जी भर के पी, जब तक है जी जी भर के पी, जब ना रहेगा जी तो कौन कहेगा पी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये हमारे दीप पाजी हैं, दीप ओसान जी। और एक दिन बैठा था मैं सीसीडी लवन लाते कहीं बैठा था मैं, पाजी से वहाँ मुलाकात हो गई। उसके बाद से बस दोस्ती हो गई और ऐसी हुई कि यूँ समझ लो आधार कार्ड लिंक हो गया हमारा। सही बात, ओटीपी इनके नंबर पे जाता है। मैंने अपना ही नंबर दिया था इसलिए। और बड़े भाई की तरह हैं और इनका मतलब जितना इनके लिए बोलूँ कम है, इसलिए कम ही बोलूँगा, कम ही बोलूँगा। बस इतना ही प्यार बना रहे और किसी की नज़र ना लगे, ऐसे ही साथ में काम करते रहें। ये पंजाब से दिल्ली से गाने बनाते रहें, मैं बॉम्बे में इनके गाने फिल्मों में डलवाता रहूं। सही बात है। आई एम इनटू कास्टिंग, आई डू कास्टिंग फॉर फिल्म। थोड़ी सी बात में बहुत कुछ बोल गए। तो आप जरा उस चीज को थोड़ा गौर करके चलिएगा, अभी पाजी वाली जो बात थी वो शायद सच हो जाए। बिल्कुल 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 सर बिल्कुल। तो मैं फिल्म और टीवी सीरीज ये सब करता हूँ और बहुत ही जल्दी पाजी के बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने हमारी फिल्म में होने वाले हैं। और जो मैंने बात कही थी 250 गानों की, तो 250 नहीं उससे भी कहीं ज़्यादा गाने ट्रैक पे हैं और एक एक करके हर 15 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में आते रहेंगे डोज म्यूजिक पे। डोज म्यूजिक तो आप प्यार देते रहें। और पाजी जी सर आप कुछ बताएंगे सर, आप कुछ बताइए। नहीं नहीं आप कुछ बताइए ना, रॉकी मेन बंदा तो यही है। पूछो यार, पूछो, हुक्म करो। गाना अब तक जितने भी इनके गाने आए हैं, अभी जैसे मोस्टली इनके आए हैं रोमांटिक बीट हो गया है ना, तो अगर आपने सुने हैं, अगर आप सुनेंगे आगे जाके, तो ज़्यादातर आपको रोमांटिक या फिर सैड कह सकते हो, तो ऐसे गाने सुनने को मिलेंगे। बट अगर इस गाने की बात करें, पोस्टर भी कैंट है पंजाबी तो म्यूज़िक भी बहुत बढ़िया बनया था, तो कोवर पाजी का उनका म्यूज़िक है, उनकी फीचरिंग है, उनका रैप है, तो गाना बहुत बढ़िया है। चलाको मासी ते बड़ी चलाकी नाल गाना बनाया इन्होंने। पता ही नहीं लगने दी। हां पता ही नहीं लगने दता, मन्नू भी पता नहीं लगन दता। मुझे भी अभी पता चला। अच्छा पाजी एक्चुअली चलाको मासी होते वहां पे ना, तो रोमांस नहीं कर पाते। चलाको मासी एक्चुअली ये है। अच्छा ऐसे गाना बनाया चलाको, पता ही नहीं चला। तो ये तो जरूर आप एक बार। नहीं ये एक्चुअली वैसे ये बात सच है, ये मेरे को बहुत टाइम से बोलता था पाजी यार, हमेशा सैड या रोमांटिक टाइप के सॉन्ग ही बन रहे हैं, कुछ इस टाइप का सॉन्ग होना चाहिए, थोड़ा सा क्लब टाइप का, पैपी नंबर का, रील पंजाबी जी चकमा के अंदर, मतलब जिस पे रील अब बहुत बनेगी, रील बनेगी, रील्स के लिए पहली रील हमारे पाजी बनाएंगे। मैं बनाऊंगा। चलो जी, थैंक यू।